नमस्कार, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बराबर की पार्टनर शिवसेना और कांग्रेस के बीच में तो पहले से ही काफी ज्यादा तनातनी चल रही थी, लेकिन अब उद्धव सरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी उलझ गई है। संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल की बेइज्जती करने का काम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र की जनता उद्धव सरकार के तानाशाही रवैये से पूरी तरह तंग आ चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में विवाद पैदा हो गया है। मामला ये रहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकार के विमान से देहरादून जाने के लिए सवार होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी परमिशन नहीं दी और राज्यपाल को सरकारी विमान से नीचे उतार दिया गया, जिसके बाद वाणिज्यिक विमान बुक करवा करके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून के लिए रवाना हुए। उद्धव सरकार के इस फैसले की चारों ओर निंदा हो रही है, जिसे कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार ने राजनीति की सारी हदें पार कर दी है और पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना। अब महाराष्ट्र की जनता की समझ में आ चुका है कि महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर उद्धव ठाकरे को बैठाने का काम एक तरह से बंदर के हाथ में उस्तरा देने के समान ही है। कुल मिलाकर के विपक्ष के साथ साथ अब महाराष्ट्र की जनता भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना की इस सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। कहा जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे, महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार की किरकिरी चारों तरफ होती हुई साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी अब बीजेपी का राग अलापने लगे हैं, जिससे कांग्रेस और शरद पवार के फ्यूज जुड़े हुए हैं। अजीत पवार और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकियां उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा रही है। अजीत पवार ने कांग्रेस और शिवसेना पर निशाना साध करके बीजेपी की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। कभी एनसीपी से बगावत कर बीजेपी की सरकार बनाने वाले अजीत पवार अब दोबारा बीजेपी के समर्थन में उतर गए हैं। अजीत पवार ने कांग्रेस और राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम उचित और सही मतदान सुनिश्चित करती है और मतों की बिल्कुल सही संख्या दर्शाती है। अजीत पवार की ईवीएम पर टिप्पणी एनसीपी और कांग्रेस के रुख से अलग दिखाई दे रही है। दोनों ही पार्टियों के रुख कह सकते हैं कि उससे अलग जो टिप्पणी अजीत पवार ने कर दी है। कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस हारे हुए उम्मीदवार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ती है, जबकि कमी कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार के साथ पार्टी के नेताओं में होती है। इस तरह से अजीत पवार ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं हड़काने का काम महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में शुरू कर दिया है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि मैंने 6 से 7 चुनाव ऐसे लड़े हैं जिसकी वोटिंग ईवीएम से हुई है और उसका परिणाम भी बिल्कुल सही और सटीक निकला है। ये मशीन बिल्कुल सही है। ईवीएम के सिर हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस क्या अजीत पवार के बीजेपी समर्थित बयान को बर्दाश्त कर पाएगी? अब ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बड़ा सवाल बन चुका है। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पवार का झुकाव बीजेपी की ओर देख करके बगावत के साफ संकेत मिल रहे हैं। क्या वही होने जा रहा है जो लगभग एक वर्ष पहले हुआ था, यानी कि रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के अजीत पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी की सरकार बना ली थी? क्या इसी तरह का अब कुछ महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिसका संकेत अजीत पवार दे रहे हैं? वैसे तो अजीत पवार की बगावत को लेकर के काफी समय से ये बातें चल रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार अपने कोटे के 15 से 20 विधायकों के साथ किसी भी वक्त एनसीपी और शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी के समर्थन में बोलना अजीत पवार ने शुरू किया है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो अजीत पवार का झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी एमएनएस के गठबंधन पर अंतिम मोहर लगने जा रही है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के पहले से ही चर्चा तेज थी, लेकिन जैसे जैसे बीएमसी चुनाव 2022 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस के अनुसार राज ठाकरे
हिंदुत्वा की विचारधारा के साथ साथ गैर मराठा लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो बीजेपी एमएनएस का आपसी गठबंधन है वो हो सकता है और काफी मजबूत भी हो सकता है। राज ठाकरे और बीजेपी के नेता नितिन गडकरी के बीच में हुई मुलाकात में गठबंधन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी हो चुकी है, इस तरह की खबरें भी आ चुकी है। शिवसेना के मराठी वोटर्स को बिखेरने के लिए बीजेपी एमएनएस का गठबंधन फायदे का सौदा साबित होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बीएमसी चुनाव 2022 में इसका पूरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवसेना को वैसे ही हिंदुत्वा से हटा करके एक सेकुलरवादी विचारधारा के साथ उद्धव ठाकरे ने जोड़ दिया है, जिसका शिवसैनिक भी विरोध कर रहे हैं। शिवसेना से जुड़े हुए मराठा वोटर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं और जिसका अब कह सकते हैं कि पूरा फायदा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे उठा सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने अपने जो पार्टी का झंडा भी बंगवा कर लिया है, हिंदुत्वा के सिद्धांत भी अपना लिए हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तगड़ा झटका लगेगा। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि 2-3 महीने पहले कि आने वाले 3-4 महीने के भीतर महाराष्ट्र को एक अल्टरनेटिव सरकार बीजेपी सौंपेगी, उसकी चर्चा करें तो अमित शाह भी अब महाराष्ट्र के दौरे पर आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि बड़े राजनीतिक फेरबदल इस दौरान भी हुए होंगे। ऊपर से अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद में अजीत पवार का बीजेपी के समर्थन में इस तरह से जो बयान आना, बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं शुभ संकेत बीजेपी को मिल रहे हैं। और अब जिस तरह से अजीत पवार और शरद पवार के बीच की दरार किसी से छुपी नहीं है, ये हर कोई जानता है कि किस तरह से सुप्रिया सुले को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए शरद पवार काम कर रहे हैं, जो अजीत पवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर के भी जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर डाली थी, जो पूरी तरह से शिवसेना और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के खिलाफ था, और उसके बाद में सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जांच को लेकर के, लता मंगेशकर के खिलाफ जांच को लेकर के, देशभक्ति वाले ट्वीट के जांच को लेकर के, और अक्षय कुमार विराट कोहली जैसे जो बड़े खिलाड़ी भी हैं एक्टर भी हैं इनको लेकर के जो जांच की आदेश उद्धव सरकार ने दिए थे, उस पर भी अब कहीं ना कहीं अजीत पवार मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बड़ी मुश्किलें अजीत पवार पैदा करेंगे, और यदि अजीत पवार एनसीपी का दामन छोड़ते हैं तो 15 से 20 विधायक जो उनके कोटे के हैं, बताया जा रहा है कि उन्हीं के दम पर उनको जीत हासिल हुई है, वो फिर एनसीपी और शरद पवार का दामन छोड़ेंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो फिर उद्धव सरकार का गिरना तय है, उद्धव ठाकरे के हाथों से सीएम गद्दी खिसकना भी तय है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बड़ी उल्टफेर है वो होने जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।